हाँ जी, सत श्रीकाल जी। आज तुम दसेंगे भिखारियों के स्कैंडल बारे, भिखारियों का किड्डा वड्डा स्कैम है वो बारे दसांगे थोनू। अजक भीख मंगना एक मजबूरी नहीं बिजनेस बन गया है। कई तो यह मजबूरी च करते हैं तो कई तो यह करवाया जाता है। नैशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 40,000 तो ज़्यादा बच्चे गायब होंगे, जिन्हों 10,000 बच्चे कदे नहीं मिलते। इन्हों काफ़ी बच्चों अफ्रीका ते थाईलैंड वर्गे देशों में वेच दिता जाता है, तो कुछ बच्चों हैंडीकैप्ट करके उन्होंने तो भीख मंगवाई जाती है। कई सारे डॉक्टर्स फड़ा गया है जो बच्चों हैंडीकैप्ट करके अगे वेचते हैं ताकि उन्होंने तो भीख मंगवाई जाए। कई बार तुम भिखारी देख के वो चेहरे वाल देख के वो मजबूरी देख के या कोई लेडी होंगी है वो कुछड़ बच्चा हों देख के तुम मजबूरी च पैसे दे दौ तो हो सकता वो वो काम ना आते वह करवाया जाता हो। तुसी कदे बाजार या मोल जाते हो तुसी उत्थे देखते हो भी जिथे भी तुसी खड़ते हो कि लाइटां दे खड़ते हो या मोल दे अगे रुकते हो जाके तुसी पार्किंग होंदी है जिथे उत्थे बहुत सारे बच्चे या बजुर्ग भिखारी कट्ठे हो जांदे ने ते तुसी जे उन्हों कुछ खाण नू ऑफर करोगे खाण नू दोगे तो वह मना कर देंदे ने ते तुहाडे पिछे पै जांदे ने। जब तक तुसी उन्हों पैसे नहीं देंदे उदों तक वह तो तुहाडे पिछे हटदे नहीं। यह इसलिए हुंदा क्योंकि उन्हां ते नज़र रखी हुंदी है, उन्हां नू डराया धमकाया जांदा है, उन्हां ते नज़र रखी जांदी है, उन्होंने मजबूर किया जाता भी तुम पैसे ही लेने ने। यह बच्चों किडनैप करके उन्होंने हर तरीके मनाते हैं, प्यार नाल या किसी कुछ खाण पीन का लालच दे के। जे तो इस तरह मन गया तो सही है, नहीं तो उन्होंने टॉर्चर किया जाता है, उन्होंने हैंडीकैप्ट किया जाता है ताकि उसकी मजबूरी बन जाती है, उसके दिमाग च डर पा देंगे ने तो फिर सारा दिन भीख मंगता तो मंग के इन्हों को आ जाता। फिर यह कोई छोटे मोटे किसी ग्रुप का काम नहीं हुंदा, ये पिछे बहुत वड्डा ग्रुप हुंदा जिन्हें अगे बंदयां नूं रख्या हुंदा ते उन्हां नूं अलग अलग लोकेशन दित्ती हुंदियां ने। उत्थों उन्होंने बच्चों नूं किडनैप करना, उन्हां नूं हैंडीकैप्ट करना, डराना, धमकाना, तो कुछ क बच्चों नूं तां इह वेच दिंदे ने ते कुछ क नूं अपने कोल रख के उन्हां तों कम कराउंदे ने। इन्हां नूं इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि तुसीं इन्हां दे हाव भाव देख के, इन्हां दे हालात देख के, इन्हां दे चेहरे नूं देख के तुसीं तरस खा के उन्हां नूं पैसे दे दिंदे हो। एक आम बंदा जो पढ़ लिख के कितने जॉब करता जिन्नी उन्होंने सैलरी मिलती है वो तो कई गुणा एक भिखारी कमाते हैं। आज थोनू कुछ भिखारियों बारे दसदा जेड़े आज के टाइम करोड़पति ने। पहला है भरत जैन, यदी उम्र 49 साल है, ये मुंबई च भीख मंगता है ते दे दो अपार्टमेंट्स ने जिदी कीमत 70 लाख है ते दी एक जूस की दुकान किराए पर दिती हुई है जिदा किराया इन 10,000 रुपया आता, तो एक स्टेशनरी शॉप है जिहड़े इहदे घर दे चलांदे ने ते फिर भी भीख मंगता है ते हर हर महीने भीख मंग के 75,000 रुपया कमाई करता है। दूजा है कृष्ण कुमार गीते, यह मुंबई के चरनी रोड के कोल रहिंदा, उत्थे अपने भरा नाल फ्लैट च रहिंदा ते डेली का 1,500 रुपया कमाता भीख मंग के। ते तीजा है संभाजी काले, यह भी भीख मंगता है, डेली का 1,000 रुपया कमाता ते इहदी सेविंग बहुत है बैंक च ते बाकी जमीन जायदाद भी बहुत है इहदे कोल। अगला है मासू, यह बहुत चलाक भिखारी है, यह अपने ऑटो च भीख मंगण आता तो ऑटो के कपड़े चेंज करके भीख मंगण बैठ जाता। इसके कोल 30 लाख की प्रॉपर्टी है जिहड़ा थोनू हुण दसण जा रहा तुसी हैरान मन जोगे। इस भिखारी का नाम है पप्पू, यह पटना च भीख मंगता तो इन्हें भीख मंग के इन्नी कमाई करी हुई है, अजे 125 करोड़ का मालक है। अगला हैगा हाजी, हाजी मुंबई च भीख मंगता, यह रोज का 2,000 रुपया कमाता भीख मंग के, तो ये 15 लाख का फ्लैट है ते एक जरी का कारखाना जिथे इन्हें होर कर्मचारी रखे हुए काम करते, ता भी यह भीख मंगता है।